Hello and welcome to Dynamic Study. Today I will discuss an important topic of international relations called European Union. So, aaj hum European Union ke baare mein detail ek janenge. So, let's start today's topic. So, first dekhte hain. तो देखते हैं जो यूरोपियन यूनियन इज अ ग्रुप ऑफ 28 कंट्रीज दैट ऑपरेट एज ए कोहेसिव एंड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ब्लॉक। सो यूरोपियन यूनियन एक ग्रुप है जो वहां पर 28 कंट्रीज है और वो ऑपरेट करते हैं इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ब्लॉक की तरह, मतलब इकोनॉमिक काम भी करते हैं ये ग्रुप और ये पॉलिटिकल काम भी करते हैं। सो यूरोप के देश कर जो 28 कंट्रीज है वो इसके अंदर है। ओके सो इसका हिस्ट्री के बारे में डिटेल्स देखते हैं। सो टुडेज यूरोपियन यूनियन जिसको हम ईयू के नाम पर जानते हैं अब, वो केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1993 आफ्टर द मैस्ट्रिच्ट ट्रीटी साइंड इन 1991 द डच सिटी ऑफ मैस्ट्रिच्ट टू फॉर्म द ईयू वाज रेटिफाइड बाय द नेशनल पार्लियामेंट्स ऑफ 12 साइनिंग कंट्रीज। सो यूरोपियन यूनियन जिसको हम ईयू कहते हैं वो 1993 में एस्टेब्लिश हुआ। वो किसके बाद, उसका बेस जो एस्टेब्लिश किया था वो मैस्ट्रिच्ट ट्रीटी था जो 1991 में साइन हुआ था। ओके सो वहां पर ये जो यूरोपियन यूनियन का जो बेस है वो बन गया था और वहां पर इस मैस्ट्रिच्ट ट्रीटी में 12 कंट्रीज जो यूरोपियन यूनियन के, मतलब यूरोप के जो 12 स्टेट्स थे, उन्होंने रेटिफाइड किया था और उस उन सारे देश के जो पार्लियामेंट्स है वहां पर ये साइंड होकर ये मैस्ट्रिच्ट ट्रीटी साइंड हुआ था। ओके द रिसेंट लिस्बॉन ट्रीटी दैट वाज साइंड बाय मेंबर स्टेट्स इन लिस्बॉन द कैपिटल ऑफ पुर्तगाल इन दिसंबर 2007 मेड द ईयू मोर एफिशिएंट इफेक्टिव टू टेक ऑन चैलेंजेस ऑफ द 21st सेंचुरी। द ट्रीटी फाइनली केम इनटू इफेक्ट इन दिसंबर 2009। मतलब ये इसके बाद, ये तो एस्टेब्लिश होगा 1993 में, इसके बाद जो रिसेंटली लिस्बन ट्रीटी था वो साइंड हो गया मेंबर स्टेट्स के द्वारा लिस्बन में जो कैपिटल है पुर्तगाल के, वहां पर 2007 में रिसेंटली लिस्बन ट्रीटी साइंड हुआ 2007 में, जिसने ईयू को मोर इफेक्टिव और बहुत पावरफुल एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर उभर कर लाने में हेल्प किया 21st सेंचुरी में। सो फाइनली ये ट्रीटी इफेक्ट हुआ 2009 से। मतलब पहले ये जो ईयू है वो 1993 में एस्टेब्लिश हुआ लेकिन इसका बेस था मैस्ट्रिच्ट ट्रीटी जो 1991 में पास रेटिफाइड हुआ था 12 देश के पार्लियामेंट्स के द्वारा, और उसके बाद 2007 में एक लिस्बॉन ट्रीटी पास किया गया जिससे कि ईयू और इफेक्टिव और बहुत अच्छी तरह से काम करे और फाइनली ये 2009 में आया। ओके सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ टू फ्रेंच पॉलिटिशियंस जान मोनेट एंड रॉबर्ट सुचेमन। सो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो स्टेट्स हैं यूरोप के वो बहुत बिखरे हुए थे, उनमें कोई कोऑपरेशन नहीं था और बहुत इकोनॉमिक अवस्था भी वो डिटोरिएट किया था। सो सेकेंड वर्ल्ड के बाद उन्होंने सोचा कि कैसे यूरोप को और पावरफुल और स्ट्रॉन्ग किया जाए, क्योंकि दोनों वर्ल्ड वॉर लड़ते लड़ते वो बहुत फाइनेंशियली वीक हो गए थे। सो उनको एक स्ट्रॉन्ग कोऑपरेशन बनाने के लिए सर रॉबर्ट सुचेमन एंड जॉन मोनेट उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचा जो था ईयू। ओके सो वहां से उनके ब्रेन से आया सुचेमन प्लान। सुचेमन वाज द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ फ्रांस, वो फ्रांस के फॉरेन मिनिस्टर थे। वाज मेटरलाइज्ड थ्रू द क्रिएशन ऑफ यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी ईसीएससी इन 1950। सो सुचेमन ने सोचा, जो वे फॉरेन मिनिस्टर थे फ्रांस के, उन्होंने सोचा कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए यूरोप में कोल और स्टील को, वो दोनों ही चीज यूरोप में बहुत इंपॉर्टेंट थी तब, क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद कोल और स्टील बहुत इंपॉर्टेंट थी उस दौर पर। सो कोल से ही सब कुछ होता था। सो यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी ईसीएससी उन्होंने एस्टेब्लिश किया 1950 में। ओके सो फ्रांस जर्मनी इटली एंड थ्री बेलेनेक्स कंट्रीज बेल्जियम नेदरलैंड एंड लुक्सेमबर्ग ज्वाइन द हैंड्स टू फॉर्म ईसीएससी। सो फ्रांस जर्मनी इटली के साथ बेल्जियम नेदरलैंड एंड लुक्सेमबर्ग, ये सारे देश
ईसीएससी मतलब यूरोपियन कोल स्टील कम्युनिटी बनाने के लिए जुट गए. ओके, इट्स पर्पस वाज टू ब्रिंग द कोल एंड स्टील इंडस्ट्रीज टू ऑफ द सिक्स कंट्रीज अंडर वन रेगुलेटरी अथॉरिटी टू मेंटेन यूनिफॉर्म रेट्स इन बाइंग एंड सेलिंग द ऑफ कोल एंड स्टील एंड टू कंट्रोल दिस इंडस्ट्रीज इन द सिक्स कंट्रीज. सो ये जो छह देश है उनमें जो कोल एंड स्टील को एक यूनिफॉर्मली एक ऐसा एक एक ही रेगुलेशन के अंदर लाने की कोशिश की, वो एक ही रेट पे बिचेगा और एक ही रेट पे खरीदा जाएगा. ऐसा एक कंट्रोल इंडस्ट्री बनाया गया जिससे कि कंट्रोल्ड कंट्रोल मार्केट प्राइस रहे स्टील और कोल का. ऐसा एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाया गया 1950 में. ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं. इन 1952 सिक्स मेंबर्स ऑफ ईसीएसई जो छह देश थे उन्होंने फॉर्म किया यूरोपियन डिफेंस कम्युनिटी. उन्होंने ईडीसी यूरोपियन डिफेंस कम्युनिटी बनाया बाय अनदर ट्रीटी, दूसरा ट्रीटी साइन करके. द ऑब्जेक्टिव ऑफ ईडीसी वाज टू क्रिएट यूनिफाइड मिलिट्री कमांड इन यूरोप विद कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफेंस पर्सनल फ्रॉम मेंबर्स ऑफ द ईसीएससी एंड अदर विलिंग स्टेट्स. सो अदर जो देश है ईसीएससी के, सो वहां पर एक यूनिफाइड मिलिट्री कमांड बनाने की कोशिश की. जैसे कि उनका मेन ऑब्जेक्टिव था कि जो यूरोपियन डिफेंस कम्युनिटी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होगा जो यूरोप में इन सारे देश में एक मिलिट्री कमांड एस्टेब्लिश करेगा, क्योंकि यूरोप में शांति बनाने के लिए एक कंट्रीब्यूट करने के लिए डिफेंस को बहुत पावरफुल करने के लिए इन्होंने ईडीसी बनाया. ओके, नेक्स्ट, द ईसीएससी कंट्रीज आल्सो अटेम्प्ट टू फॉर्म अ यूरोपियन पॉलिटिकल कम्युनिटी 1953. सो ईसीएससी जो था उन्होंने सोचा एक अटेम्प्ट लिया था यूरोपियन पॉलिटिकल कम्युनिटी बनाने की 1953 में, बट दिस प्लान वाज टू फेल ड्यू टू डिफरेंस अमंग मेंबर स्टेट्स. लेकिन ये हो नहीं पाया क्योंकि मेंबर स्टेट में एक समानता नहीं था, वो एक तरह की नहीं सोचते थे. अ मेजर स्टेप टुवर्ड्स यूनिफाइड यूरोप वाज अ ट्रीटी ऑफ रोम इन 1957 में जो ट्रीटी ऑफ रोम था वहां पर सारे यूरोप के जो देश है वो एक यूनिफाइड मत पे आए, एक समान मत पर आए. By this treaty, ECSC countries formed two very important regional organization of Europe. So, इस ट्रीटी ऑफ रोम के बाद जो ईसीएससी जो कंट्रीज है जो छह देश थे उन्होंने दो एक बहुत रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बनाया यूरोप में बहुत इंपॉर्टेंट. फर्स्ट है यूरोपियन एटोनॉमी एटोमिक एनर्जी कम्युनिटी, यूरोपियन एटोमिक एनर्जी कम्युनिटी. ओके, जिसका नाम है यूरेटम के नाम पे जाना जाता है. एंड अदर इज द यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी ईईसी. It may be mentioned here that ECSC was the first regional organization in Europe after the Second World War, and its members endeavored to build the concept of unified Europe. So, after Second World War, ECSC the pehla organization, lekin ट्रीटी ऑफ रोम के बाद उन्होंने सोचा और बनाया जाए और दो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाया. एक तो यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी जिसको यूरोटॉम के नाम पर जाना जाता है, और दूसरा था यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी ईईसी नाम की. ओके, सो ये दो बनाया गया 1957 के बाद. ओके, जिसका मेन मोटो था यूरोप को यूनिफाइड करना, एक जुट करना यूरोप को. सो उनका यही मेन मोटो था कि यूरोप एक हो जाए. ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं. सो ये जो ईईसी है, ओके, सो द ईईसी लेटर केम टू नो एज द इकोनॉमिक कम्युनिटी. ये बाद में इकोनॉमिक कम्युनिटी के नाम पर जाना गया ईसी. एंड ऑल्सो द कॉमन मार्केट ऑफ यूरोप, ये कॉमन मार्केट था यूरोप का. वेदर ट्रेड विदाउट बैरियर्स, जहां पर ट्रेड होगा बैरियर्स के बिना, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कुड बी कैरिड आउट. सो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक ये सब कुछ छोड़कर एक कॉमन मार्केट बनाया गया. ओके, पॉलिटिकली इकोनॉमिकली सारे बैरियर्स वहां पर नहीं रहेंगे ट्रेड के वक्त, वो एक इकोनॉमिक कम्युनिटी बनाया गया. इट वॉज कंसिडर्ड रियल प्रीडिसेसर ऑफ टूडेज यूरोपियन यूनियन बिकॉज द कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ऑन अ रीजनल बेसिस वॉज इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ईईसी. द आइडिया of the idea of free trade area FTA, which became popular in the era of globalization, was mooted successfully in Europe by EEC. So ye EEC jo bana tha, so वो लेटर ईसी के नाम पर जाना गया. वो एक कॉमन मार्केट बनाना चाहते थे यूरोप में जहां पर कोई बैरियर नहीं रहेगा. ओके, सो ये जो यूरोपियन यूनियन, वो चाहते थे कि यूरोप इंटीग्रेट हो रीजनली, और वो काम पहली बार किया ईईसी ने, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी ने. सो ये
पहली बार इंटरनेशनली एक फ्री ट्रेड एरिया का जो कॉन्सेप्ट है, ग्लोबलाइजेशन का जो पॉपुलर कॉन्सेप्ट है, उसको लाया गया यूरोपियन यूरोप के कंट्रीज में. ओके, और सक्सेसफुली ये काम किया है ईईसी ने. ओके, सिमिलर टू द ईईसी, द ईयू इज ऑल्सो ट्राइंग टू अचीव इकोनॉमिक इंटीग्रेशन फॉर यूरोप. सो ईईसी की तरह ईयू भी चाहता है कि वो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन कर पाए यूरोप में. ओके, उसका भी ऐसा ही लक्ष्य है. The Treaty of Rome in 1957 was drastically amended in 1986, and Single European Act thereby passed to expedite the process of a unified Europe. In 1987, the European Parliament was made more representative by allowing more members to become part of it. Okay, so Treaty of Rome जो signed हुआ था, जिसने और powerful किया था European Union को, EC को, so वो 1986 में amendment किया गया, और 1987 में European पार्लियामेंट्स ने सोचा कि और देश को इसके अंदर लाते हैं और मेंबर्स को इसके पार्ट करते हैं. ओके, सो उसके बाद क्या हुआ, द यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस ईसीजे एस्टेब्लिश्ड इन 1957. सो ईसीजे एस्टेब्लिश्ड हुआ 1957 में, वाज आल्सो स्ट्रेंथेन्ड, वो भी एक पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन हुआ. इट वाज गिवन द पावर टू एनुअल एनी नेशनल लॉ दैट माइट कन्वेन द सिंगल यूरोपियन एक्ट. वो देखेंगे कि इंटरनेशनली जो एक्ट पास हो रहे हैं या नेशनली जो पास हो रहा है, वो कहीं ना कहीं यूरोपियन सिंगल एक्ट को खत्म ना कर दे, मतलब सिंगल एक यूरोप बने, ऐसा कोशिश वो कर रहे थे. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. इन 1991 द 12 EEC members meet in Maastricht to further strengthen the concept of an integrated Europe. So, ये जो 199 में, 1991 में जो EEC के 12 कंट्रीज थे, वो मैस्ट्रिच में आए और उन्होंने सोचा कि और कैसे यूरोप को और इंटीग्रेट कर सकते हैं. ए ट्रीटी वॉज साइंड इन मैस्ट्रिच टू चेंज द नेम ऑफ यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी. सो ये आया और ये मैस्ट्रिच ट्रीटी के द्वारा यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का नाम चेंज करने के बारे में सोचा. यूरोपियन यूनियन, और उसके बाद उसका नाम यूरोपियन यूनियन होगा, हो गया. यूरोपियन यूनियन केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1 नवंबर 1993 आफ्टर द रेटिफिकेशन प्रोसेस वाज कंप्लीट. रेटिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद 1 नवंबर 1993 से यूरोपियन यूनियन आ गया. तो पहले तो 1991 में ईसी के जो मेंबर्स थे वो चाहते थे कि और यूरोप बढ़े, सो इसलिए मैस्ट्रिच्ट ट्रीटी ने बहुत सारे लोगों और कंट्रीज को बुलावा दिया. जब 28 कंट्रीज आ गए, तब उसके बाद इसका नाम चेंज कर यूरोपियन यूनियन बनाया गया और ये 1993 से काम पर लग गया. ओके, नेक्स्ट गोल्स क्या क्या है इसके. प्रोमोट पीस वैल्यूज एंड द वेल बींग ऑफ ऑल सिटीजन ऑफ यू, मतलब यूरोपियन यूनियन में जितने भी देश है उन सब में शांति रखना, एक अच्छा जस्टिस वैल्यू वाला एक वैल्यूज इनकैलकुलेट करना, उनमें उनमें एक अच्छा समाज बनाना और सारे सिटीजन को लेकर एक यूनिफाइड यूरोप जैसा कंसेप्ट बनाना. ओके, नेक्स्ट है ऑफर फ्रीडम सिक्योरिटी एंड जस्टिस विदाउट इंटरनल बॉर्डर्स. बॉर्डर के बिना एक फ्रीडम देना, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, उनमें नया एस्टेब्लिश करना उनका एक मोटो था. नेक्स्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट बेस्ड ऑन बैलेंस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्राइस स्टेबिलिटी, अ हाई कॉम्पिटिटिव मार्केट इकोनॉमी विद फुल एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल प्रोग्रेस एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन. ओके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना, डेवलप तो करना लेकिन जो सस्टेनेबली, जो प्रकृति को बचाकर रखकर इकोनॉमिक ग्रोथ करना और प्राइस में एक स्टेबिलिटी लाना, एक कंपिटेटिव मार्केट हो जरूर हो लेकिन सब लोगों को काम मिले, एनवायरमेंट को प्रोटेक्शन देना. ओके, कॉम्बैट सोशल एक्सक्लूशन एंड डिस्क्रिमिनेशन, समाज में जो एक्सक्लूड हो रहा है, समाज से कोई बाहर जा रहा है, ऐसा ना करना, उसको रोकना और डिस्क्रिमिनेशन जो है उसे भी रोकना. नेक्स्ट है प्रोमोट साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, ये जो साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस है उसे प्रोमोट करना. नेक्स्ट है एनहेंस इकोनॉमिक सोशल एंड टेरिटोरियल कोहेशन एंड सॉलिडरिटी अमंग यूयू कंट्रीज. ओके, सो यूरोपियन यूनियन के जो देश है वहां पर इकोनॉमिक सोशल टेरिटोरियल एक सॉलिडरिटी बनाना और एक अच्छा रिलेशंस बनाना, उन्हें एनहेंस करना. नेक्स्ट है रिस्पेक्ट इट्स रिच कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, इसका जो लिंग्विस्टिक और कल्चरल डाइवर्सिटी है उसे रिस्पेक्ट करना और उस डाइवर्सिटी को मेंटेन करना, सारे देश का जो कल्चर्स है. नेक्स्ट है एस्टेब्लिश एन इकोनॉमिक एंड मॉनिटरी यूनियन हुज करेंसी इज यूरो. सो एक ऐसा करेंसी यूरो, यूरो यूरोपियन यूनियन में एक यूरो एक ऐसा करेंसी बनाना जो जिससे हम इकोनॉमिक कोई भी लेन देन कर सके, ऐसा सिस्टम बनाना. नेक्स्ट
So to join EU, the country must meet Copenhagen criteria defined at the 1993 Copenhagen European Council. So European Union join करने के लिए कुछ क्राइटेरिया के बारे में बताया गया, जो बताया गया कोपेनहागन क्राइटेरिया नाम है उसका. सो यूरोपियन यूनियन में यूरोपियन काउंसिल के द्वारा ये कोपेनहागन क्राइटेरिया 1993 में बताया गया. फर्स्ट क्या है? दिस क्राइटेरिया इंक्लूड, फर्स्ट है स्टेबल डेमोक्रेसी विच रिस्पेक्ट ह्यूमन राइट एंड द रूल ऑफ लॉ. जो सारे देश यूरोपियन यूनियन के अंदर है, जो यूरोपियन यूनियन के आना चाहते हैं, वो अपने देश में लोगों को ह्यूमन राइट्स प्रोवाइड करें, वो अपने देश में एक स्टेबल डेमोक्रेसी बनाकर रखे, रूल ऑफ लॉ वहां पर. ओके, नेक्स्ट है अ फंक्शनिंग मार्केट इकोनॉमी कैपेबल ऑफ कॉम्पिटिशन विद द ईयू. जो देश यूरोपियन यूनियन के अंदर आना चाहते हैं, वो एक ओपन मार्केट इकोनॉमी या फंक्शन मार्केट इकोनॉमी होगा, वो एक इकोनॉमिक बेस्ड मार्केट होगा और वहां पर कंपटीशन रहेगी जो कंपीट कर सके यूरोपियन दूसरे देश के साथ. नेक्स्ट थर्ड है द एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑब्लिगेशन ऑफ मेंबरशिप इंक्लूडिंग द ईयू लॉ. सो जो है द एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑब्लिगेशन ऑफ मेंबरशिप इंक्लूडिंग ईयू लॉ, सो वो देश है यूरोपियन यूनियन के लॉ को मानेंगे. ओके, नेक्स्ट है इवैल्यूएशन ऑफ कंट्रीज अपील फॉर मेंबरशिप एंड फुलफिलमेंट ऑफ द क्राइटेरिया इन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूरोपियन काउंसिल. द एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑब्लिगेशन ऑफ मेंबरशिप, सो उनको एक्सेप्ट करना, ऑब्लिगेशन जो मेंबरशिप है उसको एक्सेप्ट करना, इवेल्युएशन करना, और जो मेंबरशिप फुलफिल क्राइटेरिया है वो अपने जो क्राइटेरिया होंगे वो यूरोपियन काउंसिल के तरफ वो मानकर चलेंगे, वो रूल्स रेगुलेशन को की तरफ मानेंगे उस रूल्स को. ओके, मतलब रिस्पॉन्सिबल होंगे. सो ये है यूरोपियन यूनियन का लोगो और ये सारे कंट्रीज जो जो पहले थे 28, अब तो यूके निकल गया है, सो अभी है 27 कंट्रीज. ओके, नेक्स्ट देखते हैं, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर देखते हैं इसके. एट द टॉप ऑफ दिस स्ट्रक्चर इज द यूरोपियन काउंसिल. सबसे ऊपर है यूरोपियन काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ द हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट HOGs ऑफ द मेंबर स्टेट. जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, देश के प्रधान है, वो वहां पर आते हैं. एट प्रेजेंट 27 HOGs फ्रॉम 27 मेंबर स्टेट्स फ्रॉम मेक द यूरोपियन काउंसिल विच इज द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, 27 देश से 27 हायर हेड ऑफ द गवर्नमेंट स्टेट्स वहां पर आते हैं और मिलते हैं, यहीं पर सारे मेजर डिसीजन लिए जाते हैं. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है यूरोपियन काउंसिल इन द ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की इज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कंसिस्टिंग नॉर्मली ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ द मेंबर स्टेट्स. इट अडॉप्ट्स पॉलिसीज प्रोग्राम्स फॉर द ईयू. आफ्टर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कम्स द यूरोपियन कमीशन विच इज द प्रोवाइडर ऑर्गेन ऑफ द ईयू. ओके, सो यूरोपियन यूनियन के सबसे ऊपर है जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, उसके बाद जो फॉरेन मिनिस्टर्स है वो यूरोपियन काउंसिल के अंदर आते हैं. सो यूरोपियन कमीशन जो कमीशन है उसके बाद जो आते हैं वो है यूरोपियन काउंसिल्स. ओके, अब देखते हैं ये जो कमीशन है, नाउ कंसिस्ट 27 कमिश्नर्स, अभी तो 27 फॉरेन मिनिस्टर्स हैं यहाँ पर. ओके, वो 4 साल के लिए अपॉइंटेड होते हैं विद प्रोविजंस फॉर रीअपॉइंटमेंट, लेकिन वो रीअपॉइंट हो सकते हैं. ओके, इट सरप्राइज सुपरवाइज द एक्टिविटीज ऑफ द यूनियन थ्रू आउट द ईयर. सुपरवाइज करता है सारे काम. द कमिश्नर्स नॉमिनेट 1 पर्सन एज द प्रेसिडेंट. वो 1 पर्सन को नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट के तौर पर ऑफ द कमीशन फ्रॉम अमोंग देम, उन लोगों में से. द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द इम्प्लीमेंट of the policies adopted by the European Council lies with the Commission. The Council meets the President of the European Commission twice a year. So, ये जो responsibility है इस Commission की कि वो जो rules regulation pass हो रहे हैं उसको implement करना, और यहाँ पर जो policies adopted हो रहे हैं European Council में उसे क्या करना, President जो है वो twice साल में मिलते हैं और discuss करते हैं कैसे implement किया जाएगा इसके बारे में. Okay? और जो staff है उनको कहते हैं Europe. ओके, जो हेडक्वार्टर है इसका ईयू का वो सिचुएटेड है कहाँ, ब्रसेल्स जो कैपिटल ऑफ बेल्जियम, वहां पर इसका हेडक्वार्टर है. सबसे ऊपर है जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट, उसके बाद फॉरेन मिनिस्टर्स जो सारे देश से आते हैं, वो 4 साल के बाद इलेक्टेड होते हैं, और वो उनमें से 1 पर्सन को प्रेसिडेंट अपॉइंट किया जाता है. वो सारे स्कीम्स और काउंसिल्स के अपॉइंटमेंट को करते हैं, और जो प्रेसिडेंट है द काउंसिल मीट्स द प्रेसिडेंट. ये काउंसिल जो है उसका जो प्रेसिडेंट है वो 2 साल में मिलते हैं और जो पॉलिसीज है उसे काम करते हैं, उसके रिलेटेड इम्प्लीमेंट करने के बारे में काम करते हैं.
मेजर रिफॉर्म्स क्या हुए हैं 2009 में जो इंट्रोड्यूस किया गया था लिस्बन ट्रीटी में, उसमें फर्स्ट है ए मोर डेमोक्रेटिक ट्रांसपेरेंट यूरोप। सो एक वो चाहते थे जो यूरोप है वो मोर डेमोक्रेटिक हो और ट्रांसपेरेंट हो, वो सच हो, सब कुछ देखा जाए। द ट्रीटी हैज प्रोवाइडेड फॉर अ स्ट्रेंथेंड रोल फॉर द यूरोपियन पार्लियामेंट एंड द नेशनल पार्लियामेंट, मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर सिटीजन्स टू हैव देयर वोट्स वॉइसेस हर्ड एंड क्लियर सेंस ऑफ हु डज व्हाट यूरोपियन एंड नेशनल लेवल। इट एक्सप्लिसिटली रिकॉग्नाइजेस फॉर द फर्स्ट टाइम द पॉसिबिलिटी फॉर द मेंबर स्टेट्स टू विदड्रॉ फ्रॉम द यूनियन। सो एक ऐसा स्ट्रेंथेंड रोल बनाने यूरोपियन पार्लियामेंट में, नेशनल पार्लियामेंट में, जहां पर सिटीजन को और वॉइस, मतलब वो अपने बात बता सके, एक क्लियर सोच हो नेशनल लेवल पर, वो रिकॉग्नाइजेस होने के बारे में सोचा। नेक्स्ट है टू मोर एफिशिएंट यूरोप, यूरोप बहुत ज्यादा एफिशिएंट होगा, मतलब द ट्रीटी विद द सिंप्लीफाइड वर्किंग मेथड्स एंड वोटिंग रूल्स स्ट्रीमलाइंड मॉडर्न इंस्टीट्यूशन फॉर यू ऑफ 27 मेंबर्स एंड इम्प्रूव द एबिलिटी टू एक्ट इन एरियाज ऑफ प्रायोरिटी ऑफ टूडेज यूनियन। सो ये क्या करेगी, जो वोटिंग रूल्स है इसे और सिंप्लीफाइड करेगी और इफेक्टिव करने के बारे में सोचते हैं। नेक्स्ट है द यूरोपी ऑफ राइट्स एंड वैल्यूज, फ्रीडम, सॉलिडरिटी, सिक्योरिटी। यूरोप में जो फ्रीडम वैल्यूज है उनको और ज्यादा प्रोवाइड करना। इट ऑल्सो प्रोमोटेड द यूनियन वैल्यूज बाय इंट्रोड्यूस द चार्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स इनटू यूरोपियन प्राइमरी लॉ एंड प्रोवाइडिंग फॉर न्यू सॉलिडरिटी मैकेनिज्म एंड इंश्योरिंग ग्रेटर प्रोटेक्शन ऑफ यूरोपियन सिटीजन। ओके, सो यूरोपियन प्राइमरी लॉ जो है प्रोवाइड करना, सॉलिडरिटी उनमें बनाकर रखना। ओके, नेक्स्ट है यूरोप एज एन एक्टर ऑन द ग्लोबल स्टेज, एक ग्लोबल स्टेज में एक ऐसा एक्टर की तरफ काम करेगा। द ट्रीटी सीक्स टू अचीव दिस गोल बाय ब्रिंगिंग टुगेदर यूरोप एक्सटर्नल पॉलिसी टूल्स। सो यूरोप को एक एक्सटर्नली एक बनाना, बोथ व्हेन डेवलपिंग एंड डिसाइडिंग न्यू पॉलिसीज, द ट्रीटी गिव्स यूरोप अ क्लियर वॉइस इन रिलेशन विद द पार्टनर्स वर्ल्ड वाइड। इट हार्नेस यूरोप्स इकोनॉमिक, ह्यूमैनिटेरियन, पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ्स टू प्रोमोट यूरोप इंटरेस्ट एंड वैल्यूज वर्ल्ड वाइड विथ रिस्पेक्टिंग पर्टिकुलर इंटरेस्ट ऑफ द मेंबर स्टेट्स इन फॉरेन अफेयर्स। मतलब यूरोप को एक ग्लोबल स्तर पर लाना, उसका इकोनॉमिक लेवल, उसका वॉइस बढ़ाना इकोनॉमिक लेवल में, एक अच्छा पोजिशन में लाना उनको पॉलिटिकली, ह्यूमैनिटेरियन, डिप्लोमेटिक स्तर पर, सारे लेवल पर यूरोप एक एक मेन अट्रैक्शन की जगह हो, इसको बनाना। मतलब फर्स्ट तो डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज है उसको यूरोप में बढ़ाना, वो एफिशिएंट करना यूरोप के रूल्स रेगुलेशंस को, वहां पर लोगों को फ्रीडम, राइट्स, सॉलिडरिटी वो मिले और यूरोप एक अच्छी पावर के तौर पर उभर कर आए। यही था मेन reforms. Next, according to the European Union official website, the Union proposed purpose to promote peace. Iska main motto hai peace established karna, establish a unified economic and monetary system. Ek aisa economic and monetary system banana. Okay, promote inclusive and combat discrimination. Ek inclusion karna sabko, discrimination rokna, barrier free trade borders banana, aisa ek border free area banana. Okay, next hai encourage technical and scientific development बढ़ाना, champion environmental protection, environment को protect करना, technological develop करना। The European Union is founded on the values respect of human dignity, main इसका values कौन सा है, human dignity। दूसरा है freedom, लोगों को freedom देना, लोगों को सम्मान देना। Next है democracy, next है equality, rule of law, respect for human rights, लोगों को अपना human rights देना, उनको freedom देना, उनको सम्मान देना, democratic rights देना। ओके, और माइनॉरिटीज को भी। सो यूरोपियन जो पार्लियामेंट है इसका भी तीन रोल है। फर्स्ट देखते हैं, इट डिबेट्स लेजिस्लेशन, इट कैन प्रेस और रिजेक्ट लॉज। यूरोपियन पार्लियामेंट जो है यूरोप के सारे देश को लेकर वो किसी केस को लेकर डिबेट कर सकते हैं, कोई भी लॉ को रिजेक्ट कर सकते हैं और किसी भी को अमेंडमेंट कर सकते हैं, बट सारे केस पर नहीं। ओके, अब लास्ट जो है उसके बारे में देखते हैं, ब्रेक्सिट के बारे में। सो अभी यूरोपियन यूनियन में 27 कंट्रीज है, पहले 28 थी, जो ब्रिटेन के एग्जिट के बाद, मतलब यूनाइटेड किंगडम के बाहर जाने के बाद, इसे ब्रेक्सिट कहते हैं। ओके, बाहर जाने को कहते हैं। द ब्रेक्सिट इज द नेम गिवन टू द यूनाइटेड किंगडम्स डिपर्चर फ्रॉम यूरोपियन यूनियन। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रिटेन एंड एग्जिट। सो ब्रिटेन जब
यूरोपियन यूनियन से बाहर जा रहा था उसे हम कहते हैं ब्रेक्सिट. ओके, ऑन 23 जून 2016 द यूके हेल्ड रेफरेंडम ऑन इट्स मेंबरशिप ऑफ ईयू. द क्वेश्चन फैक्टिंग वोटर्स वाज शुड द यूनाइटेड किंगडम रिमेन मेंबर्स ऑफ द यूरोपियन यूनियन और लीव द यूरोपियन यूनियन. 51.89% वोटर्स लीव The European Union, UK left EU on 31st January 2020. So 2016 में एक रेफरेंडम एक वोटिंग टाइप्स का किया गया यूरोपियन यूनियन यूरोप में लंदन में मतलब यूनाइटेड किंगडम में. सो और उन्होंने पूछा था कि यूरोप लंदन को या यूरोप जो हमारा मतलब यूके है उसको क्या यूरोपियन यूनियन में रहना चाहिए या नहीं. सो 51.89 लोग उनको लीव करने के बारे में वोट किया था. सो इसलिए अल्टीमेटली यू 31 जनवरी 2020 में लीव किया. ओके, अप टू एंड इंक्लूडिंग 31 दिसंबर 2020 अ ट्रांजिशन पीरियड वाज इन प्लेस. तब तक वो मेंबर रहते हैं. ओके, ड्यूरिंग दैट टाइम नथिंग चेंज एंड द यूके कंटिन्यूड टू कम्प्लाई विद द ईयू लॉज एंड रूल्स. तब तक बांधते थे, उसके बाद उसने छोड़ दिया. नेगोशिएशन वर ऑल्सो हेल्ड ऑन द रिलेशंस बिटवीन यूके एंड ईयू ड्यूरिंग दिस टाइम. ओके, On 24 December 2020, negotiations for EU and UK reached a deal on two parties' new relationship. एक नया relationship बन गया. The EU and UK have set out terms of the deal in three agreement को उन्होंने किया, लेकिन वो बाहर चले गए EU से. Okay, UK ने थ्री एग्रीमेंट किया. फर्स्ट है द ट्रेड कोऑपरेशन एग्रीमेंट, वो ट्रेड और कोऑपरेट करेंगे. नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एग्रीमेंट, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को लोग एग्रीमेंट करेंगे. न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट, इन तीनों चीजों के बारे में उन्होंने डील किया. और अल्टीमेटली 1 जनवरी 2021 से द रूल्स सेट आउट ऑन इन दिस एग्रीमेंट्स विल कम इनटू फोर्स. 1 जनवरी 2021 से ये जो एग्रीमेंट किया गया था इससे ये फोर्स होगा. अल्टीमेटली ये बाहर कब आया, इन्होंने बाहर जाने की कोशिश की 23 जून 2016 में, अल्टीमेटली 31 जनवरी लेफ्ट हो गए और ये जो रूल्स रेगुलेशन है 1 जनवरी से एक्टिवेट हो गया. ओके, सो दैट्स द लेक्चर ऑन ईयू. थैंक यू.